हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इग्नू इंडिया में एक बार फिर से। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो सबसे पहला अपडेट यह है कि जून 2021 टर्म एंड रिजल्ट को अपडेट कर दिया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अपडेटेड स्टेटस 6 सितंबर दिखा रहा है। सो जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं जून 2021 में, अगस्त और सितंबर में, वो अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यस, आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका है। और साथ ही ग्रेड कार्ड को भी अपडेट करा गया है, सो आप अपना ग्रेड कार्ड भी देख सकते हैं एक बार कि आपका ग्रेड कार्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। सो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो आरसी द्वारा रिलीज करी गई है। पहला नोटिफिकेशन गैंगटॉक आरसी की ओर से है। गैंगटॉक आरसी ने ऑनलाइन प्रैक्टिकल वाइवा शेड्यूल जारी कराया है BDP MAPC प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आपका प्रोग्राम MAPC है तो आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे नाम, डेट, टाइम, इनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनर नेम भी दिया गया है। और साथ ही BDP प्रोग्राम के लिए भी एक लिस्ट जारी करी है जिनके ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम, इनरोलमेंट नंबर, डेट, टाइम, एग्जामिनर नेम और साथ ही ऊपर कोर्स कोड भी दिया गया हुआ है कि कौन कौन से कोर्स के ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि BPCL 007 008, BPLE 022। सो जो भी स्टूडेंट गैंगटॉक आरसी के हैं वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नोटिफिकेशन पहली आरसी 2 की ओर से जारी कराया गया। इस नोटिफिकेशन में जुलाई 2021 सेशन के जो एडमिशन चल रहे हैं उनके बारे में डिटेल दी गई हुई है। यहाँ पे एडमिशन वाउचर दिया गया है और साथ ही यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं इग्नू से, तो कौन कौन सी डिग्री अवेलेबल है बैचलर प्रोग्राम के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस बैचलर प्रोग्राम के पोस्टर में दी गई हुई है। और साथ ही यहाँ पे न्यूली लॉन्च प्रोग्राम के बारे में भी बताया गया है जो कि इग्नू की तरफ से रिसेंटली लॉन्च करे गए हुए हैं। और साथ ही इन्फॉर्मेशन अबाउट बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया गया है कि आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं इग्नू में, वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से प्रोग्राम है जिनमें SC ST स्टूडेंट को फीस में छूट मिलती है। सो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी नोटिफिकेशंस को। अगला नोटिफिकेशन चेन्नई आरसी की ओर से है। चेन्नई आरसी ने MCA प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट वाइवा शेड्यूल जारी करा है। जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट कोड MCSP060 है और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा था तो उनका वाइवा होने वाला है 13 और 14 सितंबर को। सो आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर आप चेन्नई आरसी के स्टूडेंट हैं और आपका प्रोग्राम MCA है तो। अगला नोटिफिकेशन भी चेन्नई आरसी की ओर से। चेन्नई आरसी ने MSC DFSM प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए वाइवा शेड्यूल जारी करा है। यहाँ पे डेट, टाइम, लिंक और स्टूडेंट डिटेल दी गई हुई है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट वाइवा को अगर आपका नाम इस लिस्ट में दिया गया है तो। इन नोटिफिकेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और फिर चेक कर सकते हैं आप अपना नाम इन लिस्ट में। अगला नोटिफिकेशन हैदराबाद आरसी की ओर से जारी कराया गया है। हैदराबाद आरसी ने BSC प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए BSC प्रैक्टिकल गाइडलाइन शेड्यूल और साथ ही लिस्ट भी जारी करी है जिन स्टूडेंट के BSC प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। सो आप अगर हैदराबाद आरसी के हैं और आपका प्रोग्राम BSC है तो आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है, और गाइडलाइंस को एक बार जरूर रीड करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसमें पूरी डिटेल दी गई हुई है आपको BSC प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग। अगला नोटिफिकेशन बैंगलोर आरसी की ओर से। बैंगलोर आरसी ने SC ST प्रोग्राम के जिन स्टूडेंट को एग्जेप्शन मिलता है उन सभी प्रोग्राम की डिटेल जारी करी गई है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह लिस्ट है जो कि बैंगलोर आरसी की ओर से जारी करी गई है। इन लिस्ट में जितने भी प्रोग्राम है उन सभी में SC ST स्टूडेंट को छूट मिलती है फीस में। सो इस लिस्ट को एक बार जरूर चेक करें आप। अगला नोटिफिकेशन कोरापुट आरसी की ओर से। कोरापुट आरसी ने कन्वोकेशन डिग्री होल्डर्स की लिस्ट जारी करी है। सो अगर आप कोरापुट आरसी के स्टूडेंट हो और आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डाउनलोड कर सकते हैं आप इस पूरी लिस्ट को। अगला नोटिफिकेशन पुटबुलियर आरसी की ओर से है। पुटबुलियर आरसी ने बीएड प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट जारी करी है। यह मेरिट लिस्ट सिर्फ OBC स्टूडेंट के लिए है। सो आप OBC स्टूडेंट है और आपका आरसी पुटबुलियर है तो आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन त्रिवंद्रपुरम आरसी की ओर से। त्रिवंद्रपुरम आरसी ने BSC प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल जारी करा है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल है। अगर आप
प्रभु आरसी के स्टूडेंट हैं तो आप इन प्रैक्टिकल काउंसलिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट बीएससी प्रोग्राम के हैं और त्रिवेंद्रपुरम आरसी के हैं। अगला नोटिफिकेशन सिलीगुड़ी, भोपाल और जयपुर आरसी की ओर से जारी करा गया है। यह नोटिफिकेशन बीएससी प्रोग्राम के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे आरसीओ ने इस नोटिफिकेशन को पहले ही रिलीज कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट बीएससी प्रोग्राम के या फिर सीपीएलटी प्रोग्राम के या फिर पीजीडी एसी प्रोग्राम के हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस रिलीज करी है और साथ ही डेट शीट और टाइम शेड्यूल भी रिलीज करा गया है। तो आप अगर बीएससी प्रोग्राम के या फिर सीपीएलटी प्रोग्राम के या फिर पीजीडी एसी प्रोग्राम के हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कराया तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।